हाल ही में 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया है। इस टनल के बनने से मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर का सफर कम हो गया है, जिससे 4 से 5 घंटे बचेंगे। इस टनल के बनने से जहां पर्यटक एक ओर काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब ये टनल सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO और जिला अधिकारियों के लिए चिंता का सबब बन गया है। दरअसल पिछले 72 घंटों में यहां 3 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन दुर्घटनाओं का कारण लोगों की लापरवाही है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और लापरवाही से ड्राइविंग करने के कारण अटल टनल में अब तक 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अटल टनल में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अटल टनल राष्ट्रीय संपत्ति है। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। हर नागरिक को इस संपत्ति को संरक्षित करने और अपनी एवं दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने में अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आपको बता दें कि अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। ये टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है। ये टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है और दोनों स्थानों के बीच लगने वाले समय में भी लगभग 4 से 5 घंटे की बचत करती है। साथ ही ये पूरे साल मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़कर रखेगी। आपको बता दें कि इससे पहले ये घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। अटल सुरंग का सुविधा के साथ साथ सामरिक महत्व भी है। खासकर चीन के साथ LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए ये लाइफलाइन का काम करेगी। अब सेना के लिए हथियार और सैनिकों को आसानी से बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकेगा। ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। एक प्रॉपर्टी दो दो के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।